Hargali, Swagatam, a very warm welcome to our channel. Let's understand botany. In this video lecture, we are going to discuss structure and function of spatial receptors. This topic is included in Unit 17 of Biology second year course. I would do my level best to make your concept clear regarding the mentioned topic. Let's start the lecture. Dear students, hopefully आप सब ठीक होंगे और क्वारंटाइन से रिलेटेड पाबंदियां निभा रहे होंगे. इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पेशल रिसेप्टर्स पढ़ेंगे. ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पेशल रिसेप्टर्स ये टॉपिक है नर्वस सिस्टम का, और ये बायोलॉजी सेकेंड ईयर कोर्स में जो है ये बुक में ये दिया गया है. तो इस जमन में टेस्ट जो है ये फर्स्ट जो है आपका स्पेशल सेंस है. टेस्ट को गेस्टेशन भी कहते हैं. सरफेस ऑफ टंग जो है इज नॉट स्मूथ. जुबान जो है वो टंग जो है ये इसका सरफेस जो है ये सतह हमवार नहीं है, बल्कि इसमें जो मैनी रिजेस और वैलीज है, मैनी ओबार्स इसमें है. इट कंटेन मैनी रिजेस एंड वैलीज कॉल्ड पैपिली. और इस रिजेस और वैलीज फरोस को जो है वो पैपिली कहा जाता है. देख ले, ये माइक्रोस्कोपिक जो है वो पिक्चर है जुबान का. उसमें जब आप ये लिया गया है माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो ये आपको देख रहा है कि जुबान की जो सतह है, टंग का जो सरफेस है, तो वो स्मूथ नहीं है, बल्कि उसमें ये आपको जजीरा नुमा या पहाड़ नुमा जो है इसमें ये स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं. इस ओबार्स को इसको जो है पपीला सिंगल और पपीली इसको कहते हैं, और पपीली के अंदर जो है वो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक है जी, ये देख ले टंग का जो है वो दिया गया है स्ट्रक्चर. तो उसके मुख्तलिफ जो एरियाज हैं मुख्तलिफ टेस्ट के लिए वो सेंसिटिव होते हैं. टिप ऑफ टंग जो है वो स्वीट के लिए जो है वो सेंसिटिव है, और टिप ऑफ से टिप के जो साइड है टंग के वो साल्टी टेस्ट के लिए जो है वो सेंसिटिव है. इस तरह लेटरल पोजिशन लेटरल जो पॉइंट्स है टंग के, तो वो सोर टेस्ट के लिए जो है वो एसिड वगैरह या लेमन का वो जायका त्रुश जायका जो होता है वो उसको डिटेक्ट करता है. और ये बिल्कुल जो है बेक उसका जो निचले वाला हिस्सा है, तो वो बाइटर टेस्ट के लिए जो है वह उसके लिए रिसेप्टर्स लगे हुए हैं. दे आर फोर टाइप्स ऑफ पपीली. हमने पढ़ा कि सरफेस ऑफ टंग जो है वो स्मूथ नहीं है, उसमें जो है नशीब उबार है, उसमें जो है वो उभरी हुई रीजन्स है. तो उसको क्या कहते हैं, पपीली कहते हैं. ये पपीली जो है वो चार किस्म के है. एक इसमें पिलीफॉर्म पपीली होते हैं, कौन शेप होते हैं ये, और ये टंग के आल अराउंड जो है ये प्रेजेंट होते हैं पपीली. फंजीफॉर्म पपीली ये मशरूम शेप होते हैं एंड फोन्ड एट द टिप एंड साइड्स ऑफ टंग, और ये जुबान के बिल्कुल टिप और जुबान के साइड टंग के साइड पर जो है ये मौजूद होते हैं. इसी तरह फोलियट पपीली है, तो ये सीरीज ऑफ फोल्ड है अलॉन्ग द साइड्स ऑफ टंग, जुबान के साइड पर जो है ये फोलिएट पपीलीज ये जो है मौजूद होते हैं और ये फोल्डेड होते हैं. इसी तरह सर्कमवेलेट पपीली ये क्या होते हैं, ये राउंड शेप ये होते हैं, शेप लाइक फ्लैट माउंट सराउंडेड बाय अ ट्रेंच फाउंड एट द बेक ऑफ टंग. ये उभरी हुई माउंट बिल्कुल पहाड़ के मानन होते हैं, लेकिन वो पहाड़ जिसके आल अराउंड जो है एक फरो नुमा जो है वो सर्कल इन सर्कल उसको करती है, और फरोस के इर्द गिर्द जो है फिर वो उभरी हुई जगह होती है. ये डायग्राम से आप इसको समझ लें. ये देख ले पहली फॉर्म फर्स्ट हमने पढ़ा, तो ये देख ले इसका शेप, ये देख ले बिल्कुल कौन शेप इसका जो है वो स्ट्रक्चर है, कौन शेप पपीली पहली फॉर्म पपीली. और ये ऑल अराउंड दी टंग सरफेस जो है ये मौजूद होती है, इसमें कोई रिसेप्टर्स वगैरह नहीं होते टेस्ट रिसेप्टर. सेकंड हमने जो है वो फंजीफाम जो है वो पपीली के मुताबिक पढ़ा, तो ये फंजीफाम देख ले ये क्या है, देख ले बिल्कुल मशरूम टाइप एगेरिकस मशरूम टाइप जो है इसका वो शेप है, और ये बेजुबान के टिप और साइड्स पर जो है ये मौजूद होते हैं, ये उसमें टेस्ट रिसेप्टर्स भी होते हैं इसमें.
बर्ड्स इसमें होते हैं। ये थर्ड हमने जो है वो विलेट पपीला पढ़ा। विलेट पपीला जो है बिल्कुल बेक ऑफ टंग पर जो है मौजूद होते हैं, बड़े बड़े और गोल नुमा, ठीक है। ये देख ली, ये बिल्कुल जो है वो माउंड्स की तरह और एयर गिरेज के जो है केविटीज होती है, फिर उसके इसको टिश्यूज जो है इनसर्कल करते हैं, एयर गिरेज के टिश्यूज होते हैं, ये उभरे उभरे हुए, ये क्या है, ये विलेट, इसको सर्कमविलेट पपीला भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सर्कमविलेट पपीला, ये बिल्कुल बेक आप टंग पर जो है आप इसको मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी तरह फोलिएट पपीला जो है ये फोल्डेड होते हैं, देख ले इसमें भी रिसेप्टर्स होते हैं, देख ले इसमें बर्ड होते हैं, ये अब आपको दिख रहे हैं, ये बर्ड्स हैं मुख्तलिफ, और शेप इसका ये क्या है, ये फोल्डेड है, बिल्कुल फोल्ड इसमें बने हुए हैं, आप इसको देख ले, ये इस जगह को आपको ये फोल्ड्स नज़र आ रहे होंगे, देख ले वन, फिर जो है वो फर्व है, फिर रिज है, फिर फर्व, तो ये फोल्डेड रीजन, ये यह एरियाज पर आपके फोलिएट पपिलास जो है ये मौजूद होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल पपिलास दैट इज विलेट फोलिएट फंजीफॉर्म पपिला, इट कंटेन जो है वो ब्लड टेस्ट बर्ड्स इसमें जो है वो मौजूद होते हैं, एक्सेप्ट पेलीफॉर्म पपिला, इसमें जो है वो टेस्ट बर्ड नहीं होते। ये देख ली, ये वो दूसरा उसका डायग्राम दिया गया है, इसमें जो है आपका ये फोलिएट पपिला, ये साइड पे देखे आपको फोर्ड नजर आ रहे हैं, तो यह फोलिएट पपिला मौजूद होते हैं, और ये आपका विलेट जो है पपिला है बिल्कुल राउंड, ठीक है, उभरी हुई जगह है, उसके अर्गेर जो है वो क्या है, फरो है, फिर जो है उसको टिश्यू सराउंड करता है, वेली नुमा जो है वो स्ट्रक्चर ये बनाता है ना, वादी नुमा, और ये फंजी फॉर्म जो है वो टिप पर जो है मौजूद होते हैं। वेलेट आपके जो फिलीफॉर्म पपिला है वो आर्ड एरोन जो है वो मौजूद होते हैं। देख ले, ये टेस्ट बट का हमने तस्करा कर दिया है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये जो हमने पपिलास पढ़ा, तो पपिलिस के साइड पर देख ले, ये पपिला है, उसको कट किया गया है, तो साइड पर ये आपको बर्ड नज़र आ रहे हैं, ये बर्ड्स मौजूद होते हैं, टेस्ट बर्ड इसको कहा जाता है, और ये इसमें क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स उसमें इसमें होते हैं, ठीक है। ये सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ये केमिकल जो फूड वगैरह हम डिफरेंट टेस्ट का खाते हैं, तो उसमें वो हल हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, और इस सेल्स में जो है वो फिर ये केमिकल उसको डिटेक्ट करता है, और थ्रू न्यूरॉन्स नर्व्स जो है ये मशीन ब्रेन को पहुंच जाता है। तो ऑल अराउंड ये आपको ये दिख रहा है, तो ये एक जो है टेस्ट बर्ड, इसको इनलार्ज करके दिखाया गया है, तो ये क्या है, ये असल में एपिथेलियल जो है वो टिश्यूज है, सेल्स है इसमें, ये बर्ड में एपिथेलियल एपिथीलियम है, ठीक है। तो ये इसका जो है एक सुराख नुमा एरिया होता है, जिसको टेस्ट पोर कहा जाता है, इसके थ्रू जो है केमिकल सब्सटेंसेस यहाँ इसके अंदर जाते हैं, और इसके बट जो है ये टेस्ट बट में ख़ास किस्म के एपिथेलियल सेल्स इसमें होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के, तो इसमें तीन किस्म के जो है वो सेल होते हैं, देख ले ये आपको ये बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, ये ठीक है, वायलेट कलर, ये तो ये गैस्ट्रेटरी एपिथेलियल सेल्स उसको कहा जाता है, असल में ये सेंसरी सेल्स है, और न्यूरॉन जो है ये मैसेज जो है कन्वे करते हैं ब्रेन को। इन बिटवीन ये गैस्ट्रेटरी एपिथेलियल सेल जो है ख़ास किस्म के और सेल्स जो है वो मौजूद है, तो ये सपोर्टिव सेल है, ये टेस्ट बट को जो है सपोर्ट देते हैं, और नीचे ये आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये इसको बेसल एपिथेलियल सेल्स कहा जाता है। तो कंपाउंड जो है क्या वो पोर टेस्ट पोर के थ्रू एंटर होगा, और आपके गैस्ट्रेटरी जो सेल्स है एपिथेलियल सेल है उसको जो है वो स्टिमुलेट करेगा, और ये स्टिमुलेशन जो है वो नर्व फाइबर्स में जो है ये मुंतकिल होगी, और नर्व फाइबर जो है ये जो टेस्ट बड है दो किस्म के क्रेनियल नर्व से जो है वो जुड़े हुए होते हैं, एक फेशियल नर्व है और दूसरा आपका हाइपोग्लासल नर्व है, जो कि डायरेक्ट ब्रेन को जो है मैसेज कन्वे करता है, और ब्रेन में जो है ये टेस्ट आप फिर ये आप इसको प्रोसेस करता है और आप टेस्ट महसूस करते हैं। ये एक और इसमें इजाफा करते चले, ये जो आपके गैस्ट्रेटरी एपिथेलियल सेल है, तो इसके टिप पर जो है ख़ास किस्म के जो है वो सीलियास होते हैं, स्टीरोटाइप उसको जो है वो सीलिया कहते हैं, तो ये सीलिया मोशनलेस होते हैं, मूवमेंट नहीं करते, ये क्या सेंसरी का सेंसेशन का काम करते हैं, ठीक है, ख़ास किस्म के जो है वो सीलियास होते हैं। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है आपका सेंस ऑफ स्मेल है, इम्पोर्टेंट वो स्मेल है,
स्मेल को ऑल्फैक्शन भी कहते हैं, और इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं स्मेल के लिए तो वो नसल कैविटी में मौजूद होते हैं, वो भी एपिथेलियम में, नसल कैविटी के एपिथेलियम में इसके रिसेप्टर्स जो है वो मौजूद होते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के जो है वो केमिकल फॉर्म में ये जो है स्टिमुलस वो परसीव करने की सलाहियत रखते हैं और ब्रेन को ये मैसेज पहुंचाते हैं। थोड़ा सा इसका जो है वो एनाटॉमी पढ़ लेते हैं, देख ले ये नसल कैविटी आपको दिख रही है डायग्राम में, तो ये सारा एपिथीलियम है नसल कैविटी का। इसमें जो है आपका ओल्फैक्शन का या ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स उसमें जो है वो लगे हुए हैं, देख ले आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये सारा म्यूकोसा है, सीडो स्ट्रेटिफाइड म्यूकोसा है, सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम है ये आपका, ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, देख लें ये मुख्तलिफ किस्म के सेल्स आपको, ये येलो कलर क्या है, ये ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स है, वन ओल्फैक्टरी न्यूरॉन, ओल्फैक्टरी न्यूरॉन, ओल्फैक्टरी न्यूरॉन, ओल्फैक्टरी न्यूरॉन, ठीक है। बीचों बीच खास किस्म के सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये सेल क्या है जी, ये सपोर्टिंग एपिथीलियल सेल है, ये सारे जो आपके रिसेप्टर सेल्स हैं तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और ये स्मॉल स्मॉल सेल्स जो है आपको नज़र आ रहे हैं तो इसको बेसल सेल कहा जाता है, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये बेसल जो मेम्ब्रेन है असल में ये आपके ओल्फैक्टरी जो सेल्स है उसको भी ये जो है स्टेम सेल का काम करते हैं उसको ये बनाते हैं ओल्फैक्टरी सेल्स को, ठीक है जी। तो उसके साथ साथ इस एपिथेलियम में जो है वो ओल्फैक्टरी ग्लैंड भी मौजूद है जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, इसको बोमेन जो है वो सेल्स भी कहा जाता है, और इसी म्यूकस बनता है, म्यूकस आप जानते हैं प्रोटीन है ख़ास किस्म का, और ये एपिथीलियम को ऑल अराउंड जो है वो कवर करता है। होपफुली आप बात को समझ रहे हैं, वीडियो को पास पास करके आप देखें और समझ के आगे जाए। ये एपिथीलियम जो ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम कहलाता है ये असल में सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम है। स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब है, सीडो फॉल्स स्ट्रेटिफाइड, इसमें स्ट्रेटिफाइड का मकसद एपिथीलियम ये होता है जिसमें सेल वन अपान अनदर जो है वो पड़े होते हैं, लेयर्स बनाते हैं खास। तो इसमें सेल आपको इस तरह दिख रहे हैं, ये देख ले बेसल भी सेल्स है, उसमें सपोर्टिंग सेल भी है, उसमें सेंसरी सेल भी है, तो दिख ऐसे रहा है कि लेयर्स बनाते हैं पर ये लेयर नहीं बनाती, ये सारी बिल्कुल एक रो में है, और सेल के शेप जो है वो क्या है, वो कालमनर कालम शेप जो है वो एलॉन्गेटेड शेप बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मुख्तलिफ किस्म के केमिकल जो है नॉस्ट्रल्स के थ्रू एंटर होते हैं नसल कैविटी को, नसल कैविटी में ये म्यूकस में ये केमिकल डिजॉल्व हो जाते हैं, केमिकल ये म्यूकस में डिजॉल्व होने के बाद यहाँ हमने कहा कि यहाँ क्या ओल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, वो यही केमिकल जो है वो उसको डिजॉल्व फॉर्म में पिक करते हैं, न्यूरॉन में जो है इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल बनता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल जो है न्यूरॉन के एग्जान के थ्रू क्या करता है, ये सारे ये सेल के न्यूरॉन्स के एग्जाम्स मिल जाते हैं और उसे नर्व बनता है, उस नर्व को क्या कहते हैं ओल्फैक्टरी नर्व कहते हैं, ठीक है। ओल्फैक्टरी नर्व जो है फिर ओल्फैक्टरी बल्ब से कम्युनिकेट करता है, और ओल्फैक्टरी बल्ब असल में फोर ब्रेन का पार्ट है, और ये जो है आपके ओल्फैक्टरी नर्व जो है ओल्फैक्टरी बल्ब को मैसेज पास ऑन करता है, और वहाँ सेंस स्मेल जो है उसका जो है वो सारा कोऑर्डिनेशन होता है, दिमाग उसको स्मेल को प्रोसेस करता है। होपफुली आप बात को समझ गए होंगे। तो ये स्मेल का जो सेंसेशन है ये क्या है, इसको ओल्फैक्शन भी कहा जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेंस है स्मेल। नेक्स्ट इसमें जो है वो टच का भी दिया गया है, टच कोर्स में है, टच क्या है इसको टैक्टेशन कहते हैं, टैक्टेशन भी कहा जाता है। तो सेंस ऑफ टच मीन आप जो के हाथ पाँव या वजूद पर कोई चीज़ जो है मसले तो आपको वो महसूस होता है टच हो, ठीक है। तो ये टच जगह जगह टच के रिसेप्टर्स ये लगे हुए हैं, असल में ये सारे रिसेप्टर स्किन में जो है आपके लगे हुए हैं सेंस ऑफ टच के रिसेप्टर्स। तो ख़ास किस्म के सेल्स है उसके साथ न्यूरॉन्स अटैच है, न्यूरॉन सेंस ऑफ टच से जो है वो स्टिमुलेट होती है, उसमें जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल टच के बेसिस पर जो है वो बनता है और मैसेज पास ऑन होता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, वह आप उसको फील करते हैं।
इसके अलावा दो दो टर्म्स है, टेक्टाइल एनेस्थीजा, ये कोर्स में दिया गया है। टेक्टाइल एनेस्थीजा से क्या मतलब है? बस अवकात अगर टच ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए टचिंग, तो ये न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ये सैचुरेट हो जाते हैं, ये रिसेप्टर्स, ये फिर आपके जो मैसेज है तो वो सीएनएस को पास नहीं करते, बिल्कुल यहाँ जो है वो क्या हो जाते हैं, एनेस्थेटिक हो जाते हैं। ठीक है, आपको टच महसूस नहीं होता है। ये बाल सिचुएशन में होता है, जैसे कि फीमेल्स अक्सर जो है वो बाल्स वगैरह पाँव से या हाथों से वो रिमूव करती हैं, तो चूंकि ये टच के न्यूरॉन्स जो है या रिसेप्टर्स वो स्किन में होते हैं, तो ये प्लकिंग से, हेयर प्लकिंग से ये क्या हो जाते हैं, ये न्यूरॉन के जो डेंड्राइट से वो रपच्चर हो जाती है। तो उस दौरान में आप उनको जो है वो टच का फील में जो है वो मसले होते हैं, वो टच ज़्यादा वो महसूस नहीं करते, तो इस कंडीशन को टेक्टाइल एनेस्थीजिया कहते हैं। पेरेस्थीजिया भी इसमें एक ख़ास किस्म की सेंसेशन है, आपको आपने जो है फील किया होगा, ये अक्सर जो है वो टिंगलिंग और नमनेस हो जाती है, ये हम कहते हैं हाथ पाँव का सुन्न हो जाना या उसमें सुइयां से चुभना, इस फीलिंग को क्या कहते हैं, इसको पेरेस्थीजिया कहते हैं। तो ये टच रिसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट होते हैं, इसलिए ये सिचुएशन हमें महसूस होती है। देख लें ये क्या है, स्किन का जो है वो स्ट्रक्चर दिया गया है, हेयर फोलिकल है, हेयर फोलिकल के साथ जो है आपके मुख्तलिफ किस्म के जो है वो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। लाइट टच देख लें तो हेयर प्लग करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, या कोल्ड के न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स के जो है ये डेंड्राइट्स वगैरह ये सरफेसेस ये रप्चर हो जाती है, तो फिर बंदा ये टच महसूस नहीं करता, तो हम कहते हैं इसको टेक्टाइल एनेस्थीसिया इसको कहा जाता है। टच के न्यूरॉन जो है वो स्किन में होते हैं। नेक्स्ट जो है वो पेन रिसेप्टर, जिसको नोसीसेप्शन, पेन को जो है नोसीसेप्शन भी कहा जाता है, और पेन के रिसेप्टर को नोसीसेप्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो पेन जो है वो सेंसेशन है, और पेन के जो रिसेप्टर्स हैं तो वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मौजूद हैं, और इसके तीन अकसाम हैं, क्यूटेनियस है, सोमेटिक है, वेस्ट्रल है। क्यूटेनियस जो है स्किन में ये पेन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ख़ास किस्म की सेंसेशन है, जब कोई सुई चुभती हो या कोई आग गर्म चीज़ से हाथ जो है वो टच हो जाए तो आपको पेन महसूस होता है, ये रिसेप्टर होते हैं उसमें ख़ास, और ब्रेन को जो है वो मैसेज जो है पास ऑन करते हैं, सीनस को जो है मैसेज पास ऑन करते हैं और वार्निंग जो है आपको देते हैं। ठीक है, क्यों सोमेटिक जो आपके पेन रिसेप्टर्स है तो वो मसल्स और जॉइंट्स वगैरह में ये मौजूद होते हैं, इसी तरह विसरल होते हैं जो कि विसरल ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं, जैसे कि हार्ट है आपका, स्टोमक, किडनी वगैरह है, तो उसमें जो पेन रिसेप्टर उसमें मौजूद है तो उसको विसरल पेन रिसेप्टर कहा जाता है। तो ये तीन किस्म की हुए। ठीक है, देख ले ये कुछ एनिमेशन दी गई है, ये जब जलन होती है ना उंगली में वगैरह में, तो ये मैसेज पास ऑन करता है सीनेस को, सीनेस में स्पाइनल कार्ड को, तो वह रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉल्यूटरी कंट्रोल है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू ये मैसेज जो है ऊपर ब्रेन को भी ये पास ऑन हो जाता है पेन का, तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ये ब्रेन को मैसेज कैरी करता है, वो आपको जो है रिफ्लेक्स एक्शन होने के बाद आप तो इनवॉल्यूंट्री हाथ को जो है गर्म चीज़ से आप वो निकाल रिमूव कर देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जो है वो पेन वो आपको महसूस होना शुरू हो जाता है, तो ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू जो है होता है। ठीक है, असल में रिफ्लेक्सेशन का पाथवे ये है जी, यह मैसेज इंटर हुआ डार्सल रूट के थ्रू और यह वेंट्रल रूट के थ्रू, इसको ये इफेक्टर को यहाँ से कमांड इशू होता है, और ये उंगली जो है वो इफेक्टर या मसल उसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू ये मैसेज पेन का जो है वो ऊपर जो है ब्रेन को जाता है, और ब्रेन जो है वो वार्निंग जो है वो इशू करती है पेन की शक्ल में। होपफुली आप बात को समझ गए होंगे। लेट्स टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू। इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है वो रिसेप्टर्स पढ़े, मुख्तलिफ किस्म के जो है स्पेशल रिसेप्टर्स दिए गए हैं, जिसमें आपने टेस्ट रिसेप्टर के मुताबिक पढ़ा, जो कि जुबान टंग में उसके रिसेप्टर्स होते हैं और ब्रेन को जो है मैसेज पास ऑन करते हैं। इसी तरह आपने स्मेल के रिसेप्टर्स पढ़े, जो कि नेसल केविटी में उस एपिथीलियम में उसके रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, वो केमिकल फॉर्म में स्टिमुलस
वो कैरी ऑन करते हैं। इसी तरह आपने टच के रिसेप्टर्स पढ़े जो कि ऑल ओवर द बॉडी, उसमें उसके जो टच के रिसेप्टर मौजूद होते हैं, ख़ास जगहों में वो नस्बतन ज़्यादा होते हैं, जैसे कि टिप्स ऑफ फिंगर वगैरह में। आपने जो है नोसिसेप्टर के मुताबिक पढ़ा जो कि पेन रिसेप्टर्स होते हैं, और पेन जो है वो क्रिएट करते हैं बॉडी में। पेन जो है एक अलार्मिंग सिग्नल है बॉडी की, जब मिलता है तो वो पेर बॉडी जो है वो वार्निंग रिसीव करके जो है हसब ज़रूरत जो है वो रिस्पॉन्स अपना देता है बॉडी को। होपफुली आप सब समझ गए होंगे। सुनने का, समझने का, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहे, आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।